नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 11 बजे की तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां से जो मामला सामने आया हैरान करता है। बता दें गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक किया गया। गोंडा से बड़ी खबर, 3 बहनों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है और तेजाब से एक लड़की का तो पूरी तरह से चेहरा झुलस चुका है। फिलहाल स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी ये है कि ये दरअसल रात में सोते वक्त आरोपी मौके पर पहुंचे और तेजाब फेंक कर वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जानकारी ये है कि तीनों ही बहनें नाबालिग हैं। रात को सोते वक्त तीनों पर तेजाब फेंका गया। बड़ी हैरान कर देने वाली ये पूरी बात, बहुत बड़ा ये मामला आपको बता दें। अब हालांकि पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। यूपी के गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक किया गया है। तीनों बहनें झुलस गई हैं, जिसमें एक की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तीनों का उपचार इस समय स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। जब पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। मामले की जांच की जा रही है। आखिर कौन थे वो आरोपी, आखिर किस मंशा से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये वो तमाम अहम सवाल है जिनका जवाब आना भी बाकी है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और एक्सक्लूसिव न्यूज सबसे पहले न्यूज स्टेशन आप तक पहुंचा रहा है। गोंडा में बेटियों पर एसिड अटैक कर दिया गया, 3 बहनों पर एसिड से हमला किया गया। कि रात हमारी बिटिया 2-3 बिटिया ऊपर सो रही थी 3 मंजिल के ऊपर, बगल से दूसरे मंजिल से चढ़ के उस पर तेजाब डाल दिया गया हमारे लड़की के ऊपर। कई लड़कियां हैं आपकी? 3 लड़के थी मेरे। अच्छा, किसने तेजाब डाला है? किसने, रात में देखा नहीं किसको। अच्छा, भागते देखा, वो दूसरे बता रहे हैं कि इधर से निकले हैं। किसी पे संदेह है आपका? संदेह नहीं साहब, किसी से रंजिश हमारा ही नहीं है। तो आपने सुना, दरअसल ये उन तीनों बेटियों के पिताजी थे। उन्होंने भी कहा है कि पता नहीं आखिर कौन था वो। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ में है। अविनाश, पता चल पाया है बेहद ही गंभीर और ये कहा जाए रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। क्या कुछ और जानकारी है, क्या आरोपियों के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? देखिए नैना, बीती रात की घटना बताई जा रही है और तीनों सगी बहनें हैं। सबसे अहम बात यह है कि तीनों बहनें नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 8, 12 और 17 साल बताई जा रही है। हालांकि जैसा कि पीड़िता के पिता बोल रहे हैं कि इनका पुराना ना तो कोई विवाद है और ना ही किसी से कोई रंजिश है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, क्योंकि रात के वक्त जब तीनों बहनें छत पर सो रही थी तो उस वक्त इन तीनों बहनों के ऊपर तेजाब फेंका गया। वैसे में चूँकि जो पीड़ित परिवार है वो किसी को देख नहीं पाया। हालाँकि चूँकि प्रशासन और जो पुलिस है वहाँ की, वो उन आरोपियों को तलाश कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से, चूंकि तीनों बहनें नाबालिग हैं, वैसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पीड़ित परिवार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, उन मासूम लड़कियों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि सोते वक्त उनके ऊपर तेजाब फेंका गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल अविनाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देर रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों बहनें नाबालिग हैं। जिस तरह से इस पूरे एसिड अटैक को अंजाम दिया गया है, देर रात घर के अंदर घुसकर आरोपी इस तरह से हमले को अंजाम देते हैं, घर वाले समझ पाते तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।